साथ वो है मेरे हम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। और भाई अंश कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब बढ़िया भाई, कितने टाइम बाद मिले हैं। चलो एक दो पैग लगाए। हाँ हाँ चलो, धुएं भी उड़ाए। भैया लगाओ तीन पैग, आज खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठे तीन यार दारू संग। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। अरे कोई नहीं, नहीं पीते तो थोड़ा धुआं ही उड़ा ले। भाई मैं ऐसी चीजें भी नहीं करता। भाइयों तुम्हें पता है कि सिगरेट दारू और तंबाकू लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आए ऐसे कैसे? क्यों तुम नहीं जानते, सिगरेट तंबाकू शराब के सेवन के कारण कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। अगर अभी भी नहीं समझे तो आओ और अपनी आंखों से खुद ही देख लो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 11 कॉम अल्फा न्यूज चैनल। और हमें अभी अभी खबर मिली है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हो रही है कईयों की मौत। तो आइए जानते हैं शराब सिगरेट और तंबाकू के साथ। चढ़ना चाहती हूं मैं कामयाबी की सीढ़ी, एजेंट है मेरे शराब तंबाकू और बीड़ी। अरे चलो चलो, मिलाती हूँ आज आपको इन युवा पीढ़ी के दुश्मनों से, कैसे शराब तंबाकू और बीड़ी ने इन सारे युवाओं को मेरे कब्जे में कर रखा है। तू बता तंबाकू, तेरा क्या हाल है? मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? मैं तो आजकल बड़े से बड़े छोटे से छोटे की जेब में रहता हूँ। ये सारे मुझे बड़े शौक से चबा चबा के खाते हैं, पर इन्हें क्या पता एक दिन इनका शौक ही इन्हें चबा जाएगा। और वोडका, तुम्हारी क्या हाल है? मैं क्या बताऊं, मैं तो हर पार्टी की शान हूँ शान, लेकिन इन लोगों को क्या पता इनके लिए शमशान हूँ। देखो कैसी कैसी नशीली आंखों वाले खड़े हैं यहाँ। यहाँ पानी की बोतलें कम और मेरे बोतलें ज्यादा हैं। सिगरेट, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? अरे मैं क्या बताऊं, ये लोग समझते हैं कि ये मुझे जला रहे हैं, इन्हें क्या पता कि मैं इन्हें जला रही हूँ। जीतेगा भाई जीतेगा, कैंसर जीतेगा। कैंसर की है क्या पहचान? हाथ में दारू मुंह में बात। जीतेगा भाई जीतेगा, कैंसर जीतेगा। कैंसर की है क्या पहचान? हाथ में दारू मुंह में बात। क्यों भाइयों, अब आया तुम लोगों को समझ? हाँ भाई तू सही कह रहा है, जब जब मेरे मुंह से खून आता है तब तब मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता होती है। मैं कल ही जाकर चेकअप कराऊंगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, चलो एक दो पैग और लगाए। अरे इसी में तो जिंदगी जीने का मजा है। नहीं यार धनीश, मैं आज से नशा नहीं करूंगा। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। अरे नहीं धनीश नहीं। 6 महीने बाद। काश मैं उन लोगों की बात मान लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे नहीं ये दीवा, ये क्या अनर्थ हो गया? आप ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। अब मैं घर कैसे संभालूंगी, अब मैं बच्चों को कैसे पालूंगी? अगर आप नशे की लत छोड़ देते तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो क्या देखा आप सबने,
कैसे धनीश ने इग्नोर किए मेरे सारे सिम्टम्स और अपना ट्रीटमेंट लेट शुरू करवाया और मौत की राह को चुना। वहीं दूसरी ओर अंश ने समय रहते ही नशे की आदत छोड़ी और सही वक्त पर अपना ट्रीटमेंट करवाया और आज वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो अब सोचने की बारी आप सभी की है कि आप भी धनीश की तरह अपनी जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं और मेरे कब्जे में आना चाहते हैं, या अंश की तरह आप सभी मेरे कब्जे से बाहर एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि कैसे कैंसर ने सबको अपने कब्जे में कर रखा है, तो आइए अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे करें। त्वचा में परिवर्तन होना, लगातार खांसी का आना या आवाज में भारीपन, शरीर के किसी भी हिस्से में असामान्य रक्त बहना, मुंह का अल्सर ठीक ना होना, वजन में गिरावट या भूख ना लगना। अगर आप में से किसी को भी ये लक्षण हैं तो दिए गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-200-2676 पे संपर्क करें।